भारत ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए एक अहम मुकाबले में बांग्लादेश को हरा दिया। एडिलेड में खेले गए वर्षा से बाधित एक रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रनों से शिकस्त दे दी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। भारत की तरफ से जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने 44 गेंदों में सबसे ज्यादा 64 नाबाद रन बनाए, जबकि फॉर्म में लौटे केएल राहुल ने महज 32 गेंदों में 50 रन बना डाले। बारिश के कारण बांग्लादेश को 16 ओवरों में 151 रन बनाने का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर केवल 145 रन ही बना सकी। हम आगे गए हैं, सेमीफाइनल के में भी हम खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे, सब बढ़िया। अर्शदीप वेरी गुड प्ले। हम हर जगह इंडिया टीम को सपोर्ट करने जाएंगे और टीम को खेलते हुए देख के ये लगता है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। इस मैच में जीत के साथ ही भारत के 4 मैचों में 6 अंक हो गए हैं और टीम अब सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई, जबकि बांग्लादेश के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंपी। 14 मंजिला इन टावरों में किसी हाउसिंग सोसाइटी की तरह ही हर आधुनिक सुख सुविधा का साधन मौजूद है। इन फ्लैटों के निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पुनर्वास परियोजना का मकसद झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को हाईटेक सुविधाओं के साथ एक बेहतर घर देना है। साथ ही दशकों से झुग्गियों में रह रहे लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश है, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित राम जानकी मंदिर की करीब 100 बीघा जमीन को बुधवार को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई गई है। इस कीमती जमीन को मंदिर के पुजारी ने गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों को लीज पर दे रखा था। इस मामले को लेकर पहले भी एसडीएम के सामने शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने मंदिर की जमीन को प्रशासन के अधीन करने का आदेश दिया था। मंदिर की लगभग 100 बीघा जमीन मौजूद है, जो 3 हिस्सों में थी। ये तीनों ही भूमिया बड़ी कीमती है। इस भूमि पर कुछ लोगों द्वारा, कतिपय लोगों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे आज हटाया गया है। सुमोटो द्वारा अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई की गई। इस मामले में प्रशासन ने मंदिर के पुजारी को पद से पहले ही हटा दिया था। जिला प्रशासन के मुताबिक अब वो खुद ही इस जमीन को उन उपयुक्त लोगों को जमीन लीज पर सौंपेगी, जो मंदिर का रखरखाव सही तरीके से कर सकेंगे। पुणे की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अनोखा कदम उठाया है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए घर से ऑफिस साइकिल से आने जाने की पहल की है। कंपनी की इस पहल को कर्मचारियों का फुल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सवाल न सिर्फ सेहत का है, बल्कि सड़क पर बेतहाशा बढ़ रही गाड़ियों के रेले से अपने आप को बचाने की भी है। पुलिस प्रशासन भी कंपनी के इस प्रयास को खूब सराह रही है, क्योंकि एक समय पुणे की गिनती सबसे खूबसूरत शहरों में होती थी। वातावरण स्वच्छ था, सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा बोझ नहीं था। पुणे को साइकिलों का शहर कहा जाता था, लेकिन वक्त बदला तो हालात भी तेजी से बदले। गाड़ियों के बढ़ते बोझ से शहर हांफने लगा। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस भी कई कदम उठा रही है। हम लोगों ने अपने जो ट्रैफिक ब्रांच है उसको स्ट्रेंथन किया है। उसमें हमने कांस्टेबल्स 300 और 800 वार्डन ऐड किए हैं। हमने जो सिग्नल्स है उनको सिग्नलाइज करने की कोशिश की है। सिग्नल जो खराब है उनको ठीक करने की कोशिश की है। जो पोर्टहोल्स है उनकी लिस्ट बनाई है और PMC कोऑर्डिनेशन को भरने की कोशिश की है। जो हमारे मतलब इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किन्नौर से लोकतंत्र के प्रति आस्था की अनोखी तस्वीर आई है। किन्नौर में आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सुंदर नेगी ने हिमाचल चुनाव के लिए धूमधाम से अपना वोट डाला। श्याम सुंदर नेगी उम्र के 100 बसंत देख चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने आजाद भारत के पहले आम चुनाव में पहला वोट डाला था। यही वजह थी कि इतने खास वोटर का पोस्टल वोट डलवाने के लिए चुनाव आयोग ने इंतजाम भी खास किया था। किन्नौर में देश के वोटर दादा ने पूरे गाजीबाजी के साथ अपना वोट डाला। हमारे लिए हर्ष की बात है कि ये हमारे किन्नौर से हैं और पूरे देश में ये जो है पॉपुलर हैं, और इसलिए आज पूरा प्रशासन यहाँ आया हुआ है कि इनसे जो है ये पोस्टल बैलेट का जो है वोट डलवाया जाए।
इस बार हिमाचल के चुनाव में 1,22,093 वोटर 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जबकि इनमें से 1,190 वोटर 100 से भी ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन इस उम्र में भी सब पूरे जोश के साथ लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जम्मू की सड़कों पर फर्राटे से ई रिक्शा चला रही ये सीमा देवी हैं। सीमा देवी पूरे जम्मू इलाके में ई रिक्शा चलाने वाली पहली महिला के रूप में चर्चा में आ चुकी हैं। ई रिक्शा चलाने के पीछे इनका खास मकसद परिवार चलाने में पति का हाथ बटाना है, लेकिन ये काम शुरू करने के बाद इनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और अपने पाँव पर खड़े होने का सुखद एहसास भी इन्हें हो रहा है। कुछ तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती नहीं है, कुछ सर ये रीजन था कि सर मेरे पास कोई काम नहीं था और हस्बैंड की थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो सर घर में 500-600 जो आते हैं तो हेल्प हो जाती है। जम्मू से सटे नगरोटा की रहने वाली सीमा देवी के पति नगर निगम में मामूली कर्मचारी हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं, तो जाहिर है परिवार चलाने के लिए कुछ करना जरूरी था। ऐसे में सरकारी स्कीम के तहत सब्सिडी पर ई रिक्शा हासिल करने का मौका मिला तो इन्होंने इस काम को अपना लिया। इन दिनों रांची की सड़कों पर एमबीए गोलगप्पे वाला छाया हुआ है। एमबीए पास नितेश कुमार रांची के अशोक नगर इलाके में अपनी दुकान लगाते हैं। उनके स्टॉल की कई खूबियां हैं। वहां लोगों को गोलगप्पे के 4 फ्लेवर टेस्ट करने को मिल सकते हैं। ये सारा काम होता है सेंसर लगी मशीन के जरिए। बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए, तो ये मैं स्टॉल मतलब हम लोगों ने ये स्टॉल खुद से बनाया। बेसिकली हम लोगों ने इस स्टॉल पे 6 महीने काम किया था। नितेश ने 2015 में एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की। नौकरी से थक हार कर उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने के लिए सोचा और अपना गोलगप्पे का स्टार्टअप शुरू किया, जिसे वो मिस्टर एंड मिसेस गोलगप्पे के नाम से चला रहे हैं। लोगों को गोलगप्पे का स्वाद और उनके गोलगप्पे देने का नया तरीका काफी पसंद आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनी चक्रवाती हवाओं ने तमिलनाडु के कई जिलों में कहर बरपा दिया है। चेन्नई से लेकर तिरुवरूर तक पानी में डूब रहे हैं। तस्वीरें चेन्नई की हैं, कई कॉलोनियों में लबालब पानी भरा है। सड़कें कमोबेश तालाब बन गई हैं। लोग कुछ इस तरह घरों में कैद होकर रह गए हैं क्योंकि बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम स्टालिन लगातार अफसरों के साथ राहत इंतजामों पर बैठकें कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है। अगले 3 दिन तक चेन्नई समेत कुछ और जिलों में बेमौसम बारिश हो सकती है।